हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज जैसे कि आपको पता है ईएसआईसी यूडीसी मेंस का एग्जाम था, तो मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस बता रही हूँ और साथ में 50 की 50 जो जीए के क्वेश्चंस आए हैं वो भी बता रही हूँ। मेरे अटेम्प्ट्स हैं 199 और मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा स्किप किया है और साथ में ये भी बताऊंगी कि ईएसआईसी एमटीएस के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्होंने एम की फुल फॉर्म पूछी थी। आईएनएस खुरकी जो है वो कौन से म्यूजियम में जा रहा है, तो इसका आंसर दियू था। बिलगेट्स की बुक आई थी जिसका था पैंडमिक के रिलेटेड बुक थी बिलगेट्स की, वो आई थी। रिस्क अशोर्ड किसकी बुक है, ये जी से था समथिंग फर्स्ट ऑप्शन में, वो वाला मार्क करके हूँ और उसका आंसर यही था। आईपी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, इसकी मोस्टली साइट्स पे 43 आ रहा है बट ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था फायर कौन से रिजर्व में लगी है, इसका आंसर था सरिस्का रिजर्व। नाम द फक इसके साथ अपनी बाउंड्री टच करता है इंटरनेशनल, तो इसका आंसर था जो था वो था म्यांमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था एशले बार्टी की नेशनलिटी पूछी हुई थी, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट T20 नहीं था, ये वर्ल्ड कप पूछा हुआ था, ये वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, तो वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है नीति आयोग की, एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा टूरिज्म ऐप पे था इनक्रेडिबल इंडिया, क्रिप्टो करेंसी वाला इसका मे भी एल सल्वाडोर होगा बट मैंने गलती से शायद फिनलैंड कर दिया इसका। डेस्टिलिक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के साथ होती है। कोल्ड वॉर 22 म्यांमार में हुई थी और इसका BSNL के साथ मर्जर हुआ था BNPL का। और माई 11 सर्कल में ऋतुराज गायकवाड़ आंसर आएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपको सबको पता है ज़ेलेंस्की है। और 94 अकेडमी अवार्ड में है बेस्ट फिल्म कोडा। और वाटर डे की थीम आपको पता ही है, मेकिंग समथिंग इनविजिबल विजिबल समथिंग, ऐसा कुछ था इसका। और हेल्थ डे था 7th of March को मनाया जाता है, 7 था मतलब मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद, 7 याद था मुझे इसलिए मैं वो मार्क करके आई हूँ। बिहार दिवस 22 मार्च को था। मिनी कोई आइलैंड्स का लक्षद्वीप था। हाई कोर्ट जज को अपॉइंट कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाटो चीफ आपको पता ही है जोन स्टेलबॉर्ग समथिंग, मैं करके आई हूँ, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं था बट मुझे हाँ पता था कि ये है। और सेबी के हेड माधवीपुरी बुच है, हमें पता ही है। विडा का है हीरो ट्रांसकोप और सैटेलाइट वाला इसका आंसर चाइना है। हैप्पीनेस इंडेक्स वाले का आंसर फिनलैंड है बट मैं डेनमार्क करके हूँ, मेरा गलत हो गया है। आरबीआई ऑर्गेनाइज करता है फाइनेंशियल वीक, तो इसका आंसर है। इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुझे याद नहीं मैं क्या करके आई हूँ बट मुझे इसका आंसर भी नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट है परम शक्ति, इसका IIT खड़गपुर आएगा। वैसा रिपोर्ट ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा आती है। और रियल GDP NSO की पूछी हुई थी, मैं वैसे 7.8 करके आई हूँ बट जहाँ तक मैं चेक कर रही हूँ आंसर 8.9 है। दिवेन झड़िया वो पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर वो होगा। पुष्पा द राइज मूवी है जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। नीति आयोग का किसके साथ टाइप था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो FAO है। और एक वर्धा सिस्टम का आया था, ये मेरा मुझे गलत करके आई हूँ मुझे लगता है जहाँ तक, इसका गांधी जी आंसर है। और मैक्सिमम डायमंड वाला सिटी कौन सा है, इसका मध्य प्रदेश है, मेरा गलत है। एनिमल एम्बुलेंस वाले का है ब्लू क्रॉस सोसाइटी। और 125 ईयर हो गए हैं पद्मा अवार्ड में, इसका आंसर 125 ये योगा समथिंग था शायद, योगा का कुछ पूछा हुआ था वो वाला था ये। अडल्ट एजुकेशन टर्म अडल्ट एजुकेशन के लिए IIM अहमदाबाद का सेटअप किसने किया, इसका विक्रम साराभाई था। और दुबई फ्यूचर म्यूजियम है, ठीक है। फीफा वाली का कई कनाडा बोल रहे हैं, कई फिनलैंड बोल रहे हैं बट मैं कनाडा करके आई हूँ। और नेशनल वाटरवे हल्दिया से इलाहाबाद वाला जो था ना वो वाला करके आए। RCL होती ये हमारे CGI थे, स्टील रोड सूरत में है। मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर पेमेंट का UPI है। और जो आर्ट पार्क है ये बेंगलुरु में है। एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। देखो गाइस, मैंने अप्लाई किया है पंजाब रीजन से और मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रही हूँ। जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो थे 199, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था नंबर सीरीज का, उसमें डबल लगना था, डबल एडिशन थी बट मेरे से उस टाइम पता नहीं माइंड में क्या था इसलिए वो नहीं बना। जीए में मेरे 35 क्वेश्चंस राइट हैं और 15 रॉन्ग हैं, तो नेगेटिव सब एलिमिनेट करके मेरा अप्रॉक्सीमेट स्कोर जो जीए में बन रहा है वो 31 बन रहा है, तो मेरे 19 मार्क्स कम हो रहे हैं जीए में। तो अप्रॉक्सीमेट जो मुझे लगता है मेरा स्कोर रहना चाहिए वो 167 टू 175 के बीच में रहेगा। और जो मुझे लगता है क्योंकि एग्जाम इतना इजी था, बिल्कुल प्री लेवल एग्जाम था, मेंस का कोई टाइप का क्वेश्चन था ही नहीं, ये लगा लो बस प्री के क्वेश्चन थे, बस डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। थे क्वेश्चन सारे इसके सारे प्री लेवल, मेंस लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई इनपुट आउटपुट नहीं, कोई पजल में डबल वेरिएबल था ही नहीं, सारी की सारी पजल सिंगल वेरिएबल थी, आराम से बनने वाली थी, ठीक है। तो इसलिए जो मुझे लगता है इस बार कट ऑफ जाने वाली हाई जाएगी, तो जो कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 145 टू 150 के बीच में रह सकती है। लास्ट टाइम जो 130
130 थी, इस बार 145 तक जाएगी, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 170 के अप्रॉक्स ही बनेगी इस बार, क्योंकि एग्जाम लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। क्योंकि अगर मेरे लिए इजी था, आई वुड गेस कि सभी के लिए इजी था, जस्ट प्री लेवल के डबल क्वेश्चंस थे, ठीक है, आराम से बन सकते थे। और इवन मेरा एग्जाम तो 15-20 मिनट्स पहले हो गया था, बस ये है कि जीए में थोड़ा हो जाता है हमें रिस्क, इस वजह से आराम से बिल्कुल ईजी पेपर था, कोई टेंशन नहीं थी। और ये बात हुई है कि जो ESIC का प्री का एग्जाम था ना, उसमें काफी क्वेश्चंस थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बेस्ड, जो कि हमें मेंस में देखने को नहीं मिला है। बट SSC MTS के एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा दोनों साइड से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ESIC MTS के मेंस में GA के क्वेश्चन बहुत इजी थे प्री के कंपैरेटिवली, इवन प्री में इन्होंने मुश्किल क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ठीक है। तो इसलिए हमें प्री में स्टैटिक पार्ट भी ज्यादा लेके चलेंगे। इसमें स्टैटिक के थे, बट यार इतने क्वेश्चंस नहीं थे, आप देख सकते हो, ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चंस स्टैटिक के अगर हैं भी तो वो करंट के साथ रिलेटेड ही आए हुए हैं। तो अगर आपको और भी स्ट्रैटेजीज जाननी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, और मुझे टाइम लगेगा तो मैं और डिटेल वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। All the best for your preparation. Keep going.